सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा करते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के राजा इंद्र के अहंकार को तोड़ा था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडित मनोज शुक्ला गोवर्धन पूजा और गोवर्धन पूजा की मान्यता को लेकर क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। दीपावली के महापर्व में चौथे दिन आता है गोवर्धन पूजा, इनको अन्नकूट भी कही जाती है। इनका प्रारंभ हुआ था भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा रुकवा करके भगवान श्री गोवर्धन जी की पूजा प्रारंभ की थी, तब से लेकर के आज पर्यंत जो है गोवर्धन पूजा किया जाता है। हमारे क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार गोवर्धन पूजा के दिन अपने घर के जितने ही गोधन होते हैं, गाय है, बैल है, भैंस है इत्यादि को सुंदर नहला धुला करके इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा करके इनके लिए विशेष भोज इत्यादि घर में बनाई जाती है, जिसमें दाल चावल सब्जी पूड़ी इत्यादि विभिन्न प्रकार की पकवान होते हैं, जिसको भोग लगा करके गौ माता को अर्पण किया जाता है और उसी की प्रसाद को खुद भी ग्रहण करते हैं। इसीलिए इसको अन्नकूट भी कहा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पकवान अपने गौ माता को भोग अर्पण करके उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन हमारे क्षेत्र के जो गो चारक होते हैं, जो गोधन को देख रेख करते हैं, गोपाल होते हैं, जो यादव भाई होते हैं, वो इस दिन सुंदर तरीके से वस्त्र और विभिन्न अन्य अलंकरणों से अलंकृत होकर के घर घर में जाकर गोधन को सोहई नाम के एक जो है रस्सी उनके गले में बांधते हैं, जो कि गौ माता के लिए एक शुभ और सम्मान की सूचक होती है। और इस दिन जो गौ पालक मालिक होते हैं वो यादवों को विशेष भेंट आदि देकर के उनका सम्मान करते हैं, इसलिए गोवर्धन पूजा हमारे छत्तीसगढ़ की विशेष एक त्यौहार के रूप में मनाई जाती है।